कैसे हो आप लोग। एक बार फिर प्लाज्मा फिजिक्स का एक और नया टॉपिक लेके मैं आपके बीच आपका दोस्त हाजिर हुआ हूँ। आपको ये टॉपिक याद होगा, ये लास्ट टॉपिक था फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको, अगर आज का टॉपिक आपको सही सही ठीक ठीक से समझना है तो कम से कम आपको इस टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के टॉपिक में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, और एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसको मैंने इसी टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया था, उसका नाम था डिस्पर्जन रिलेशन। देखो, अब तक हमने क्या किया था, ठीक है, डिस्पर्जन रिलेशन यानी रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के, है ना, ओमेगा एंड के बीच में जो रिलेशन थी उसको हम क्या कहते थे, डिस्पर्जन रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन। क्लियर हो गई बात। यानी हमें ऐसी रिलेशन लानी है जो ओमेगा और के बीच में कोई सी भी रिलेशन, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन रिलेशन। तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरा हिल सकता है या मेरी आवाज से कैमरा गिर भी सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, नाम भूल जाता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव। ठीक है, याद दिला देता हूँ, टॉपिक की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। मैंने लास्ट टॉपिक जो खत्म किया था, मैंने बोला था कि जो प्लाज्मा के पार्टिकल में ऑसिलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा ऑसिलेशन, उसकी वजह से प्लाज्मा में कई सारी वेव्स मूव करती है, और उन वेव्स के बारे में हमने बात की थी, और उसी में मैंने एक्सप्रेशन भी निकाला था फेज वेलोसिटी का एंड ग्रुप वेलोसिटी का। ठीक है, आज भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम डिफरेंट एंगल में बात करेंगे, क्योंकि जो मैंने लास्ट टॉपिक जब किया, मैंने फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आपको लास्ट टॉपिक में, ये आपको मिल जाएगा प्लाज्मा फिजिक्स 14, लेक्चर नंबर 14, ऐसा आप लिखोगे, प्लाज्मा प्लाज्मा फिजिक्स, और लेक्चर नंबर आपको मिल जाएगा 14 के अंदर मैंने ये समझाया है। तो थोड़ी सी बात करेंगे कि आज भी हमें वही काम करना है, लेकिन कुछ अलग एंगल से करना है। जब मैंने फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी बताई थी, तो मैंने एक पर यूनिट वॉल्यूम लिया था प्लाज्मा के अंदर का। ठीक है, ये प्लाज्मा है मेरी, और इसके अंदर का पर यूनिट वॉल्यूम लिया था, और उसमें मैंने कंसीडर किए थे कि एन पार्टिकल है ना, एन पार्टिकल है, लेकिन मैंने ये नहीं उस टॉपिक में बताया था कि ये एन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आयन है, या दोनों का मिक्सचर है, कैसा है, ये एन के बारे में मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। मैंने सिंपली बताया था कि इसके ऑसिलेशन से वेव जनरेट हो सकती है, और उसका एक्सप्रेशन मैंने फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में डिस्कस किया था। क्लियर हुई बात। लेकिन आज के टॉपिक में हम स्पेशली ये बात करेंगे कि अगर अगर ये पूरा का पूरा जो प्लाज्मा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, यानी मैं कहूं इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्लूड, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा प्लाज्मा फ्लूड, यानी अब मैं मान रहा हूं जो हमारे पास प्लाज्मा है वो पूरा का पूरा किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, और जो इसके सरफेस पे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन है, कोई आयन नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो अब हम एक बार इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्लूड में जब ऑसिलेशन होगा तो क्या जनरेट होंगी, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव जनरेट होंगी। ठीक है, अगर इस फ्लूड में ऑसिलेशन होगा तो जो वेव्स जनरेट होंगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव्स यही नाम दिया था आपके सिलेबस में। ठीक है, यानी जब हम कंसिडर ये करेंगे कि पूरा का पूरा फ्लूड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया रिकॉर्डिंग ऑन करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, तो टाइटल डाल लेते हैं, और ये यूनिट सेकंड का टाइटल है। ठीक है, यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस 100% है, तो कोशिश करूंगा ये आप समझ जाओ पूरी तरह से। ठीक है, लंबा डेविएशन है, और मेनली आपको डेविएशन पे ही फोकस करना है,
हमने वेव तो बता दिया था, कई सारी वेव से जनरेट होंगी प्लाज्मा के अंदर ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ प्लाज्मा। तो टॉपिक का नाम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव्स। क्लियर होगी बात, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस पहले एक बार पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे मैंने उस केस में कंसिडरेशन किया था, तो यहाँ पे भी मैं कुछ एजम्पशन करूंगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन ऐसे ही इतने आराम से नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ एजम्पशन कर रहा हूँ। पहला तो एजम्पशन यही है कि मेरे पास जो प्लाज्मा है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्लूड है, पहला तो एजम्पशन यही है, ठीक है। उसका भी मैंने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, ठीक है। उस पर यूनिट वॉल्यूम में वैसे तो n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहे हैं, तो इस वॉल्यूम के अंदर अंदर बाहर हो रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा में ऑसिलेशन है, उनके पार्टिकल में ऑसिलेशन है, तो वो कभी कभी अंदर बाहर इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बाहर होते हैं, तो इस नंबर को चेंज कर रहे। तो इस नंबर को कैसे चेंज करें? एक तो नंबर फिक्स है जिसे मैं कहूंगा नंबर, यानी ये नंबर आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर यूनिट वॉल्यूम में इक्विलिब्रियम स्टेट में एन नॉट पार्टिकल है। लेकिन अब जो ये ऑसिलेशन हो रहा है और कुछ पार्टिकल अंदर बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो अंदर बाहर जा रहे हैं इस रूम के, वो क्या वो भी एक इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर, उसको हम कहेंगे पर्टर्बेशन, ठीक है। तो मैं पर्टर्बेशन वाले टर्म को, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करते थे, तो ये है अनपर्टर्ब्ड नंबर, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या है अनपर्टर्ब्ड, और ये है पर्टर्ब्ड पार्टिकल, यानी कितने पार्टिकल ऑसिलेशन के वजह से एक्स्ट्रा आ गए या चले गए, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया, अगर मैंने प्लस एड किया है तो एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि ये वो नंबर है जो इस सरफेस के ऊपर ऑसिलेशन कर रहा है और अंदर बाहर कभी आ रहा है कभी जा रहा है कभी आ रहा है कभी जा रहा है, क्लियर हुई बात? यानी टोटल नंबर कितने हैं एन एट अ टाइम, लेकिन ये नंबर है, यानी ये क्या हो गया एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार इसे नोट कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर होगी बात। और ये है एन नॉट, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पर यूनिट वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये है जो एन है, ये वाला एन है, उसको मैं यहां लिख देता हूं, एन वन इज द पर्टर्ब्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या आप वो भी बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा पार्टिकल विच, बस ऐसे लिख सकते हो पर्टर्ब्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो ये चेंज हो रहा है, याद रखना है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है बहुत नीचे तक लिखा, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका मतलब ये क्या बता रहा है, अगर टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है, क्लियर होगी बात, ठीक। तो इसको नोट कर लो और ये चीजें नोट कर लो, एक एक करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़े हाइपोथेसिस करने पड़ेंगे, यानी हमने ये तरह एक तरह से हाइपोथेसिस बना लिया कि डेरिवेशन में हम ये चीजें ऐसे ही लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम सबके साथ करेंगे, और क्या क्या चीजें हैं फ्लूइड इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा में, देखो फ्लूइड इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा में मैं पहले बताऊं हम एजम्पशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे फ्लूइड इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा से ही हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है या वेव मोशन हमें ऑब्टेन करना है, तो वो फ्लूइड इक्वेशन क्या थी याद है आपको, एम एन डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू, और ये था क्यू एन, और था ई प्लस वी, ये भी यू होगा, यू क्रॉस
बी और ये प्रेशर, ठीक है, ऐसे ही था, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वो टर्म जैसे n इसमें आ रहा है तो n के बारे में मुझे कुछ ना कुछ, ताकि इक्वेशन कैसे हम इजीली सॉल्व कर सके उसके लिए थोड़े से हाइपोथेसिस हमने लीजिए, तो n के रिस्पेक्ट में हाइपोथेसिस ले लिया। ऐसे ही अगर n में पर्टर्बेशन होता है तो आपको पता है फिर हर रिलेटेड चीज जो n से रिलेटेड हो उन सब में पर्टर्बेशन होगा, जैसे अब वेलोसिटी में भी पर्टर्बेशन होगा। तो मतलब वेलोसिटी एट अ टाइम क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी एट अ टाइम वो होगा अनपर्टर्ब्ड वेलोसिटी और पर्टर्ब्ड वेलोसिटी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ टाइम क्या होगा, एक अनपर्टर्ब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पर्टर्ब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली पर्टर्बेशन किसकी वजह से हो रहा है, वो पार्टिकल जो अंदर बाहर सरफेस के ऊपर है और ऑसिलेशन की वजह से इस पर यूनिट वॉल्यूम में अंदर बाहर आ रहे, उसके वजह से इनमें पर्टर्बेशन कम आ जा रहा है, ये होगा। ऑब्वियसली ये पर्टर्बेशन कम का एक्सप्रेशन कैसे आप लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, यानी एन वन का एक्सप्रेशन आप लिखोगे एन नॉट, नॉट तो नहीं, इसको क्या लिख दे, एन ही लिख दे दोगे तब भी चल जाएगा, यानी एन चलो इसको डैश ले लेते हैं, ठीक है, एन डैश ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ठीक है, जैसा हमने एक्सप्रेशन लिया है वैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसी पर्टर्बेशन टर्म एवरेज वेलोसिटी का भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर आई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने लास्ट टॉपिक में समझाया है कि जैसा इसमें ऑसिलेशन होगा उसकी वजह से हर टाइप के पर्टर्बेशन में उसी तरह का ऑसिलेशन होगा, और लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई वन डैश इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर हो गया, मतलब पर्टर्बेशन कैसा है, ऑसिलेटरी पर्टर्बेशन है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके माइंड में आ गई हो तो कुछ और टर्म इंक्लूड करता हूं मैं इसमें, अगर अब इसमें इंक्लूड क्या कर दूं, ठीक है। अब याद रखना अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये चीजें कांस्टेंट है, ये वाला टर्म जिसको मैंने सर्कल किया है, जिसको मैंने सर्कल किया है, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो वैल्यू बता रहा है उसकी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो वैल्यू हम मान रहे हैं कॉन्स्टेंट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब ये मिटा दूं, है ना, जो मेन चीज है उसी को रखते हैं, मिटा दूं, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अच्छा, इतनी थ्योरी मतलब इतने ये सब अभी तक अजम्पशन हम कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव को ड्राइव कर सके, ठीक है। अभी इसमें मैंने एक चीज मिटाई थी वो लिख देता हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू n नॉट प्लस n वन, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगी अगर मैं e के जगह यहाँ पे e नॉट प्लस e वन लिखूंगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन तब भी मुश्किल हो जाएगी जब मुझे ये टर्म सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, यानी हम पहले से ना फिजिक्स में सारी चीजों का डेरिवेशन करा जाता है लेकिन कुछ एजम्पशन लगा के करा जाता है ताकि उसको इजी बनाया जाता है, तब जाके कैलकुलेशन की जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव के लिए, बट हम इसको पहले मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें टेक्निक्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये इक्वेशन काफी इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो ये सब एजम्पशन है, आप नोट कर लेना, ठीक है। ऑब्वियसली सही है, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास बुक का रेफरेंस होता है, एफ एफ चैन में से ये पढ़ा रहा हूँ, उसी में अच्छे अच्छे डेरिवेशन किए हैं, और बुक्स में ऐसा है कि डेरिवेशन थोड़ा टफ है तो इजिएस्ट डेरिवेशन उसी में है। अब ऐसा नहीं कि वो इजिएस्ट ही है, ऐसा है कि शॉर्टकट है, अब मैं क्या बोलूं, अब एफ एफ चैन अगर मिल जाए तो आप पढ़ना जरूर उसको, अदरवाइज मैं पढ़ा तो रहा ही हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो इतना हो गया, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी, और अगर मैं इस टर्म को करूं तब भी मुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी, मतलब नहीं होगा, और ई की जगह मैं ये दो टर्म पुट करूं तब भी नहीं होगा। तो हम एजम्पशन करते हैं, क्या एजम्पशन करते हैं, ठीक, हम एजम्पशन करते हैं कि क्या हम ले लेते हैं कि E नॉट
हाँ दोनों एक्सेप्शन ले लेते हैं, जैसे कि जैसा लिखा है फर्स्ट चैन में वैसा ही लिख लेते हैं कि आप लेट लगा के बोलोगे यू नॉट एंड ई नॉट जीरो एट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि प्लाज्मा क्या है, क्वासी न्यूट्रल है, बिकॉज प्लाज्मा इज क्वासी न्यूट्रल, क्वासी न्यूट्रल। ठीक है, क्वासी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कि मतलब ऐसे ऐसे लिखा है ना, मैं क्या बताऊं, ठीक है कि एक सिचुएशन है, मान लो अगर मैं इसको रखता भी हूं कि मैं पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लेता हूं और पहले से कुछ वेलोसिटी लेता हूं तो टफ हो जाएगी इक्वेशन सॉल्व करना। तो हमने एक अज्यूम कर लिया कि मान लिया कि हमने स्टार्टिंग में जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट करा तब ना उसमें कोई वेलोसिटी थी, ना ये पर यूनिट वॉल्यूम में कोई एवरेज वेलोसिटी थी, ना इस पर यूनिट वॉल्यूम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था। यानी कि क्या बता रहा है कि जिस पोजीशन पे हमने ये पर यूनिट वॉल्यूम लिया है उस फील्ड में या इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या था, तो पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया, क्योंकि प्लाज्मा क्वासी न्यूट्रल है। क्वासी न्यूट्रल यानी ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ओवरऑल इस पूरे एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो जीरो है। समझ में आ गई बात, यानी ओवरऑल जितना इस पर यूनिट वॉल्यूम के अराउंड जितना भी प्लाज्मा है उसका टोटल चार्ज अगर मैं कहूं तो वो जीरो है। अब जीरो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा, परटर्बेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये चार्ज जैसे ही इधर गया यहाँ क्या कहते हैं फिर चार्ज आ गया है ना, ये चार्ज ही तो ऑसिलेट कर रहा है, तो जैसे ही चार्ज जीरो चार्ज एरिया में गया तो एक चार्ज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, यानी पूरी प्लाज्मा क्या थी क्वासी न्यूट्रल थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो वो किसी चार्ज को मूव थोड़ी ना करा पाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चार्ज को वेलोसिटी दे सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो स्टार्टिंग में जो एवरेज वेलोसिटी थी पर यूनिट वॉल्यूम की वो भी हमने जीरो ले ली। समझ गए ना, तो मैं लिख दूं डायरेक्टली यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड ई नॉट इक्वल टू जीरो, यहां तक सारे एजम्पशन हो चुके हैं, बस आपको यही करना है। और लास्ट में एक और एजम्पशन है कि वी कैन टेक ओनली लीनियर लीनियर टर्म्स, ठीक है, लीनियर टर्म्स मतलब सिंगल पावर टर्म, सिंगल पावर टर्म्स, हमें इस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल पावर टर्म्स लेने हैं। यानी इफेक्ट टेन में तो डायरेक्टली लिखा है वी लीनियरलाइज इक्वेशन, है ना, लीनियरलाइज मतलब इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि हम वो टर्म इग्नोर कर रहे हैं जिनकी पावर दो है, जैसे इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो भी अब उसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये लगाया कि हम स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं और मोशन भी हम स्मॉल ले रहे हैं, हल्का सा डिस्टरबेंस ले रहे हैं, हल्के से डिस्टरबेंस में क्या होगा कि अगर एवरेज वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो है तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्जेक्टली जीरो, है ना, हम पहले से ले रहे हैं ये टर्म बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो उन्होंने लॉजिक यही दिया कि हम सिर्फ हायर ऑर्डर के टर्म हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सारे टर्म्स की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी है तो उनका स्क्वायर होगा तो वो और छोटा होगा, इसकी वजह से हम किस टर्म को इग्नोर करेंगे, एक इसको इग्नोर करेंगे और एक इसको इग्नोर करेंगे, यानी इन दोनों को हम जीरो ही लेंगे। क्लियर हो गई बात, यानी जो भी दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है उनको हम जीरो लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये कहेंगे दो छोटी चीजों का मल्टीप्लाई जब होता है तो क्या होता है वो और छोटा होता है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर हो गई बात, कितना एजम्पशन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव, यानी हम इलेक्ट्रॉन की प्लाज्मा वेव निकालना शुरू करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मैं तुम्हें कोई वेव इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा, इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है, मैं आपको डिस्पर्जन रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि आप आगे हो एमएससी में,
क्रेवसी में ये थोड़ी ना आपको मैं ऐसी वेव निकाल के दिखाऊंगा वाई इक्वल टू वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसी अगर मैं वेव निकाल के दिखाऊंगा तो आप इस गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि इस आप आ गए हो किस लेवल में, एमएससी में आ गए हो यार, हद है। अब एमएससी में आके तुम वेव मोशन अगर दिखाओगे तो ऐसा दिखाओगे। अब आपको वेव मोशन किसमें दिखाना है, डिस्पर्जन रिलेशन में, यानी आपको सिर्फ के और ओमेगा के बीच में रिलेशन दिखानी। अगर आपने ये रिलेशन दिखा दी इसका मतलब वेव मोशन है। क्यों, वेव के लिए क्या चाहिए, एक के चाहिए एक ओमेगा चाहिए, इसका मतलब वेव है। क्लियर हो गई बात, तो वेव है तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा तो हम कहेंगे हाँ यही वेव मोशन है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे, बाद में बताऊंगा, पहले निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव के लिए डिस्पर्जन रिलेशन। ठीक है, मिटा दू इतने एजम्पशन करने के बाद, बहुत कहानी है ना, लेकिन इतना एजम्पशन करोगे तभी जाके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मिटा दू तो बी रेडी। ये समझ लो, अब आप कहते हैं ना अभी तक आप पानी के ऊपर ऊपर थे, अब ये समझ लो अब आप डुबकी लगाओगे। आज के टॉपिक से आप प्लाज्मा फिजिक्स में डुबकी लगा रहे हो। अब तक जो मैंने प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ाई है ना वो ऊपर ऊपर थी, लेकिन अब मैं आपको डुबकी मतलब आपको लगाऊंगा डुबकी, मैं नहीं लगाऊंगा भाई, मैं क्यों लगाऊंगा, मेरे को पेपर थोड़ी ना देना है, पेपर तो आपको देना है, तो डुबकी भी आप लगाओगे मैं क्यों लगाऊंगा। है तुमने क्या सोचा, डुबकी मैं ही लगाऊंगा, आप लगाओगे, मैं तो टीप के पढ़ा दूंगा अगर मैं फंस गया तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लीनियर लाइक राइज एबव इक्वेशन, यानी आप क्या कर रहे हो इस इक्वेशन को लीनियराइज कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यानी जिसके वजह से जो वेव्स जनरेट हो रही है उसका अगर मैं बोलूं मास कितना होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है n0, और हर पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर मान ले m है तो क्या हो जाएगा, m n0 del u by del t। क्लियर हो गई बात, इस टर्म को तो मैंने बोला कि डबल पावर वाले टर्म लेंगे जिसकी पावर दो है, तो यहाँ पे पावर दो हो सकती है इसलिए हमने उसको लिया नहीं। अच्छा अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, अब इलेक्ट्रॉन का मैं चार्ज दे रहा हूँ यहाँ पे, अब प्रैक्टिकल केस कर रहे भाई, उस जो मैंने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में मैंने तो हवा में कर दिया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो एन क्या है, इलेक्ट्रॉन है आयन है या उन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे अब हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि कितना नंबर है उसका, एन नॉट। ठीक है, ठीक देखना पड़ेगा ना, खतरनाक है ये डेरिवेशन, बहुत खतरनाक है यहाँ ई वन, क्योंकि मैंने बोला कि ई नॉट जीरो है, इनिशियली ई नॉट जीरो है तो पर्टर्बेशन की वजह से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। ठीक है, और वहां पे हो जाएगा ग्रेड पी। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, हर एक वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने एक वीडियो में बोला था एक राज की बात बताऊंगा, राज की बात वो आज बताऊंगा। कैसे, देखो राज की बात ये है, चलो ये तो इक्वेशन मैंने लीनियरलाइज कर दी, अब मैं आगे अभी कभी भी आपसे कहूँ कि लीनियरलाइज है एबव इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सेकेंड पावर यानी ऐसे टर्म्स जिनकी पावर एक से ज्यादा है उन सबको हटा दूंगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब मुझे सबकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसे U1 कह देते हैं। ठीक है, मैं बताऊं यहाँ U1 क्यों लिखा, क्योंकि देखो डेल अपॉन डेल ये आया ना, डेल अपॉन डेल टी U आया, तो U के अंदर क्या था, डेल अपॉन डेल टी U0 प्लस U1, और मैंने बोला U0 क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल, यही तो आएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, यानी U की वैल्यू रखी है, कांस्टेंट टर्म हट जाएगा और पर्टर्बेशन का ही डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलो मैं बता दूं उसको। तो हाँ, अब आते हैं राज की बात बता, राज की बात ये है ना, प्लाज्मा मैकेनिक्स में P की वैल्यू यानी प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में दिखाऊं तो वो हो जाएगा एन
NKT। अब आप पूछोगे सर ये राज की बात है? बिल्कुल राज की बात है, आप इसे ढूंढ के बताना ये फॉर्मूला कहां मिला है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपने ढूंढ दिया तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कमेंट में लिखोगे कि सर P इक्वल टू NKT कैसे आया, तो मैं जरूर इसका एक डेरिवेशन जरूर कराऊंगा। लेकिन आप मान लो कि प्रेशर बराबर इतना होता है, जहां N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अभी देख लो भाई, ये राज की बात बहुत खतरनाक हो जाएगी अगर मैंने गलत लिखवा दी तो। ठीक है, चलो इसे आप इक्वेशन नंबर वन कर सकते हो। ठीक है, हाँ मैं हर एक टर्म कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, फिर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। पहले मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर, पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबकी वैल्यू होगी, कैसे होगी देखते हैं निकाल के। कैमरा इतना तो नहीं यार खतरनाक है, नहीं तो पूरी मेहनत खत्म हो जाती है मेरी, है ना। तो कर दें, ये निकालना है, इसका ग्रेडियंट कर दें तो ये हो जाएगा के टी। अच्छा यहाँ पे मैं के बी टी लिख दूं, क्योंकि एक के आपको वेव इक्वेशन, ये वाला भी के दिखेगा अभी, इसीलिए मैं इसको क्या कह देता हूँ, के बी टी, यानी वोल्ट्स में कांस्टेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा। क्लियर हो गई बात? अब आपको पता है एन क्या है, एन इक्वल टू एन नॉट प्लस एन पटर, एन पटर, तो क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा के पी टी ग्रेडियंट एन वन। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ। निकाल सकते हैं क्या इसकी वैल्यू? बताओ। चलो एक मतलब ये थोड़ा डेविएशन लंबा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रेशर है, तो यहाँ सफिक्स में ई लगा देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन फ्लूड, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लूड का प्रेशर है। क्लियर हो गई बात? वैसे ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी ठीक है, बट लेकिन पता है क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, कॉल आया है, अटेंड कर लेते हैं। हेलो 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 मम्मी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सामने ही रहने देते हैं, ये एकदम प्रूव है, लेकिन एक और काम करना है हमें। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, प्रेशर का एक और फॉर्मूला था, देखते हैं दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है ना। P इक्वल टू मैंने बताया था, P इक्वल टू सी एन की पार गामा था। ठीक है, इस अभी बताएंगे क्यों मैं इसको भी करा रहा हूं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बात ये इसमें एक डिफेक्ट है, इसमें डिफेक्ट क्या है कि हम एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, है ना। यानी देखो अगर मैंने वेव की इक्वेशन जो मैंने बनाई थी, जैसे मैंने ये बोला था यू में परटर्बेशन होगा, तो ये यू वन डैश ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैंने ये इक्वेशन सिंगल डायमेंशन में लिखी थी, लेकिन इसमें कहीं से सिंगल डायमेंशन टर्म दिख नहीं रहा। सिंगल डायमेंशन टर्म को हम ऐड कर सकते हैं इस गामा की वैल्यू रख के। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? देखो इसमें डायमेंशन को इंक्लूड करना है मुझे, मेरे को इक्वेशन एक डायमेंशन में ही सेट करनी है। ठीक है, तो इसके थ्रो सेट नहीं कर पा रहे तो इसकी हेल्प ले रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है ये गामा की वजह से हम ऐड कर सकते हैं। तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ये भी फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी पढ़ा दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये सी गामा एन की पार गामा माइनस वन
और ये होगा डेल्टा एन, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है, इतना ही होगा। अच्छा, इसको ऐसा कर सकते हैं हम, डेल्टा पी बाई पी, यानी पी की वैल्यू यहां नीचे से डिवाइड कर दू, पी की वैल्यू से सी गामा एन की पावर गामा माइनस वन, ये डेल्टा एन अपॉन क्या हो जाएगा ये, अब यहां इसके नीचे पी से डिवाइड किया तो यहां पे भी मैं पी की वैल्यू से डिवाइड कर सकता हूं एन की पावर गामा, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है इतनी ही है, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो होगा क्या कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेडियंट पी इक्वल टू, ये हो जाएगा पी अपॉन पी और ये हो जाएगा गामा बाई एन ग्रेडियंट एन वन, ये एन वन बचेगा, आपको पता ही है इसका ग्रेडियंट होगा तो एन नॉट तो कॉन्स्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन जिसका होगा इसी का होगा, ठीक है। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ऊपर से बता देता हूं, ठीक, ऊपर से इस टाइप का मिटा देते हैं, चलो चलो इसके आगे ऊपर देखो, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इस पी का इधर मल्टीप्लाई कर लू, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा पी और ये हो जाएगा ग्रेडियंट एन बाई एन। अच्छा, गामा पी की वैल्यू अभी मैंने बताई क्या है, एन के बी टी, पुट कर दें गामा इक्वल टू एन के बी टी ग्रेडियंट एन वन, ठीक है, अपॉन एन, एन से एन कैंसिल और ये हो गया गामा के बी टी ग्रेडियंट एन वन, ठीक है। मैंने सिर्फ ये काम आपको जो कराया है इससे देखो एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, पता है क्या एक डाउट, देखो इसमें कहीं से भी डायमेंशन काम नहीं आ रहा है, देखो यहां पे मैं कैसे बता दूं इसमें डायमेंशन आ गई, इसमें अगर मैं पूछूं कि अगर आपने ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से आपने ग्रेडियंट पी निकाला है तो क्या इसमें डायमेंशन है, आप बताओ, ठीक है, ये सफिक्स में ई होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेशर है ये, इलेक्ट्रॉन फुट प्रेशर, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यही ड्रॉबैक है, तो आप एग्जाम में कभी ये मत करना, मैंने भी, मेरे को भी याद नहीं था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, लेकिन बाद में ध्यान आएगा कि आपको डायमेंशन देनी है और डायमेंशन कौन सी रखनी है, पूरी इक्वेशन में मैंने डायमेंशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है, तो आपको पी की वैल्यू पता चल गई, अब आप कहोगे उसमें डायमेंशन कहां से दिख रही है, तो हम दिखाएंगे आपको डायमेंशन, मिटा दो, ठीक है, इसे नोट कर लो, ये पूरा इसे पूरा नोट कर लो, ठीक है, तो डायमेंशन निकालते रहते हैं, तो अब मैं इसी फॉर्मूले से आपको बताता हूं फॉर वन डायमेंशनल केस, तो फॉर वन डायमेंशनल केस मैंने गामा की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है, वन प्लस टू बाई एफ होती है, जहां एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डायमेंशन में एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है, ठीक है, तो एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वन डायमेंशनल में क्या होगा वन, तो एफ की जगह क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह वन, यानी गामा की वैल्यू क्या हो गई तीन, आ रही बात समझ में, खतरनाक बात थी, मिटा दो, नोट कर लेता पूरा, है ना, यानी यहां से पूरा उतारना यहां तक, उसके बाद बोलना फॉर वन डी केस आपकी गामा की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ये एग्जैक्ट, ये आपको कहां मिल जाएगा, जहां पे गैस थ्योरी नहीं थी, गैस थ्योरी में टेम्परेचर पे प्रेशर की वैल्यू आपका उसका एक्सप्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आप ढूंढोगे, जहां पे गैस का जैसे जो गैस की जो थ्योरी है फिजिक्स में, उसमें जब आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, और हम प्लाज्मा में अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा भी तो आयनाइज्ड गैस है, इसीलिए हमने इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक, मिटा रहा हूं, पहले देख लो इतना नोट भी किया कि कैमरा हिल गया, ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें मिटा रहा हूं और इसमें हम सिर्फ वही काम की चीज रखेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या पता चला, ग्रेडियंट पी क्या है, ये गामा के लिए हम क्या लिख दें, थ्री के बी टी ग्रेडियंट एन वन, क्लियर होगी बात, लगा लो फॉर्मूला, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी,
हमारी इक्वेशन इसको टॉप पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन बार बार रिपीट होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगली इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ ना जो मेन इक्वेशन है, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन कौन से टर्म सॉल्व कर लिए। तो ये हो जाएगा एम एन नॉट डेल यू वन बाई डेल टी इक्वल टू माइनस का ई एन नॉट ई वन, और ये हो जाएगा माइनस का थ्री के बी टी ग्रेडियंट एन वन, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक करेक्ट है, गलती नहीं करनी है ना, डेरिवेशन बहुत लंबा है, बता दू। चलो ये क्वेश्चन फर्स्ट का हमने वैल्यू एक पुट कर दी, बता दू, ठीक है। इतना हो गया काम, मतलब मेनली ग्रेडियंट पी निकालना था, बाकी सब तो बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, ठीक है। अब कैसे हर चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो देखो U1 का फॉर्मूला था U1 डैश e की पावर i k x माइनस ओमेगा t। अब मैं बोल रहा हूँ सिंगल डायमेंशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डेल U1 अपॉन डेल t, ये हो जाएगा i माइनस का i ओमेगा U1 डैश e की पावर i k x माइनस ओमेगा t। अच्छा ये वैल्यू U1 ही है, तो इसको माइनस का i ओमेगा U1 लिख सकता हूँ, तो यानी डेल U1 अपॉन डेल t। इसका मतलब मैंने आपको ये भी याद रखना है कि जहां पे भी डेल अपॉन डेल t आए आप सीधे सीधे उसको रिप्लेस कर दोगे माइनस ओमेगा से, याद रखना, क्लियर हो गई ना। अच्छा एक और ऑसिलेशन यहां दिख रहा है ना, सिंगल डायमेंशन की बात की मैंने, तो ये क्या हो जाएगा डेल n1 बाय डेल x, है ना, ये सिंगल डायमेंशन में ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ऑसिलेशन हो रहा है, ऑब्वियसली कैसा ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, तो देखते हैं, मैं बता देता हूं इसका, ठीक है यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे n1 का ऑसिलेशन कैसे होगा, n1 डैश e की पावर i kx माइनस ओमेगा t, तो ये हो जाएगा डेल n1 बाई डेल x, क्या हो जाएगा i k n1 डैश e की पावर i kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा ये वाला टर्म यही है एन वन, तो इसको लिख देते हैं आई के एन वन, और ये हो गया डेल एन वन बाई डेल एक्स, ठीक है। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जहां पे भी डेल अपॉन डेल एक्स या ऐसा आए आपको उसको रिप्लेस कर देना है आई के से, आप ये बात भूलोगे तो नहीं, क्लियर होगी बात, यानी जहां पे भी आपको ऐसा दिखे ऐसा लिख देना है, जहां पे भी आपको ऐसा या ऐसा दिखे ऐसा लिख देना है, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है। तो मिटा दे रहा हूं और देखता हूं क्वेश्चन बनती क्या है, चलो मिटा दिया, ठीक है। मैंने जल्दी तो नहीं मिटाया ना, नहीं तो आप कहोगे सर हमने उतारा भी नहीं था, ऐसे ही कहोगे क्या है, रुक जाओ सर, सर रुक जाओ प्लीज, सर रुक जाओ, नहीं नहीं अब नहीं रुकूंगा, अब तो खत्म हो गया ना वो, मैं गया एम एन नॉट, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैंने बोला डेल अपॉन डेल टी की, ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा, ऑब्वियसली लास्ट में क्या आएगा यू वन, मेरे को डेल अपॉन डेल टी को रिप्लेस करना है, यू वन बचा है याद रखना। अच्छा अभी इसको रहन दो, इसको तो अभी इसमें भी खतरनाक मैथमेटिक्स है, और ये हो जाएगा माइनस का थ्री के बी टी, और इसके जगह क्या हो जाएगा ग्रेडियंट की जगह हो जाएगा i k n 1, क्लियर होगा, इतना हो गया, चलो मिटा देते हैं। अब e1 को कैसे सॉल्व करेंगे, e1 ओ नो, ये पर्टर्बेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई खतरनाक है ना। अब पर्टर्बेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। अच्छा ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्टर्बेशन किसकी वजह से हो रहा है, जो चार्ज डेंसिटी n1 की वजह से क्रिएट हुई है ना, पर्टर्बेशन पर्टर्ब्ड नंबर की वजह से, जो पर्टर्ब्ड नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से जो ऑसिलेट कर रहे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो मैं क्या करूंगा इसको, यानी मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा, गॉस थ्योरम क्या है ये है ना, तो मैं बोलूं अगर इसको अप्लाई करूं इस पे तो क्या निकालना है मुझे, ई वन निकालना है, किसकी वजह से क्रिएट हुआ था, माइनस का ई एन वन की वजह से क्रिएट हुआ था, और ये हो जाएगा क्या, इसका अभी मैंने ऑपरेटर की वैल्यू बताई थी, क्या रखनी थी, आई के रखनी थी, आई के ई वन इक्वल टू
माइनस का ई एन वन बाई एप्साइलन जीरो, यानी ई वन की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस का ई एन वन बाई आई के एप्साइलन नॉट, ठीक है। या इसको और मॉडिफाई करके ये माइनस वन को मैं आई स्क्वायर बोल सकता हूं, तो आई स्क्वायर से आई कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, आई ई एन वन बाई के एप्साइलन नॉट, दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, मिटा दो, ठीक है, वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब इसका काम खत्म तो मैं मिटा देता हूं, बताइए मैं बहुत बेरहम आदमी हूं, है ना, मैं मिटाने में देर नहीं करता, क्यों मिटाने में देर करूं, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देखो मैं डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो कौन बनाता भाई, है कौन बनाता है, आई को आगे दे दिया और मेरा यू वन, और ये इसकी वैल्यू मिल गई मुझे माइनस का ई आई ई स्क्वायर एन नॉट एन वन, और क्या हो जाएगा, अपॉन के एप्साइलन नॉट माइनस का थ्री के बी टी आई के, यहां पे भी आई है ना आई के एन वन, मैंने इसीलिए के बी टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के बी लिखा है और इसको वेव वेक्टर को के लिखा है, ठीक है। अच्छा पूरी लाइन में देखो क्या है, माइनस का आई पूरी लाइन में दिख रहा है, हटा दो, समझ में ना, माइनस का आई पूरी लाइन में दिख रहा है और इन दोनों में से मैं एन वन कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एन नॉट ओमेगा यू वन इक्वल टू, यहां से एन वन कॉमन ले दूंगा तो ये हो जाएगा एन नॉट ई स्क्वायर आई के एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट में प्लस थ्री के बी टी के, और ये हो जाएगा एन वन, बेटा है ना, काम खत्म इसका, देखो गलती नहीं होनी चाहिए यार, गलती हो गई तो मैं फिर बदनाम हो जाऊंगा आपकी नजरों में, है ना, और बदनामी मुझे पसंद नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, झेल लूंगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी बदनामी झेली जा सकती है, ठीक है, थोड़ी बदनामी झेली जा सकती है, चलो इतना मेरा रिजल्ट सही आया ना, है ना, खतरनाक काम है, प्लाज्मा मैकेनिक्स से खेलना बच्चों का खेल है, है ना, आप जैसे यंगस्टर का खेल है ना प्लाज्मा मैकेनिक्स, तो आप खेलो, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करना है मैं भूल गया, टीप देता हूं कोई बात नहीं, है ना, टीपा जा सकता है, टीपा जा सकता है। अच्छा आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, तो मुझे इल्जाम मत देना कि सर आपने नई चीज पढ़ाई, मैंने ये सब पढ़ा दिया है, जितनी भी मैं इसमें इक्वेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को बदनाम मत करना आप लोग, ठीक है, u इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा n को मैं फिर से याद दिलाऊं, n को हमने लिखा था n नॉट प्लस n डैश, जहां n नॉट कांस्टेंट है, और फिर मैंने ये भी बोला था कि u भी कैसा है, u नॉट प्लस u डैश, बट क्या हुआ था, u पर्टर्बेशन, सॉरी डैश नहीं नीचे पर्टर्बेशन, ठीक है। अब मैंने बोला था यहाँ पे ये चीज तो है ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लगा दो, तो ये हो जाएगा डेल एन वन अपॉन डेल टी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट, यहाँ एन नॉट प्लस एन वन, और ये हो जाएगा यू वन। देखो यहाँ पे अगेन देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये दोनों का पर्टर्बेशन हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और छोटा पर्टर्बेशन देगा, समझ गए, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, सिंगल पर्टर्बेशन का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये भी पर्टर्बेशन है, ये भी पर्टर्बेशन है, और दोनों पर्टर्बेशन कैसे है, छोटे छोटे हैं, तो दोनों छोटे छोटे पर्टर्बेशन मल्टीप्लाई होके और छोटा बन जाएंगे, यानी जीरो बन जाएंगे, तो ठीक है आगे हम इन्हें जीरो बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल एन वन अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा प्लस ग्रेडियंट एन नॉट यू वन। मैंने कहानी फेंकी तो नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं।
क्योंकि मेरे पास नोट्स पड़े हैं, नोट्स नहीं बुक, ठीक है, बनना मत करना मुझे। हाँ, अगर मैं तुम्हारे नोट्स बनाने के चक्कर में रहता ना तो इतने जल्दी से सिलेबस कवर नहीं कर पाता। अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ जहां डेल अपॉन डेल टी हो वहां पे मुझे क्या लिखना है, याद है, माइनस का आई ओमेगा एन वन, याद आया? और जहां पे ये ग्रेडियंट है वहां मुझे क्या लिखना है, याद आया, आई के एन नॉट यू वन इक्वल टू जीरो। यहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए था, एन वन चाहिए था, तो यहां से मुझे मिलेगा एन वन इक्वल टू के एन नॉट यू वन अपॉन ओमेगा। एन वन की वैल्यू मिल गई, नोट कर लो, यहां से नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, मैं मिटा दूं। ठीक है भाई, बैठा था ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर। और ये जमा मैंने तो एन वन की वैल्यू ही मिटा दिया, क्या थी एन वन की वैल्यू, हद है यार, मतलब ऐसा भी क्या करना है, मतलब एन वन की वैल्यू मैं लिख देता हूं, एन वन की वैल्यू है एन नॉट के बाई ओमेगा। यार इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए कि जो काम की चीज है उसी को मैं मिटा दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो काम की वैल्यू पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम एन नॉट ओमेगा u1 इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर के ओमेगा एप्सिलॉन जीरो प्लस थ्री के बी टी के। ऐसा नहीं लग रहा है गाली है, गाली तो नहीं है लेकिन नाम है के बी टी के, ठीक है, गाली नहीं है, नहीं तो आप डिसलाइक कर दोगे, गाली नहीं थी ये। अच्छा एन नॉट के ओमेगा और ये u1। अच्छा यहां देखो u1 से u1 कैंसिल, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, इस ओमेगा को मैं यहां ला रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस एम को मैं नीचे भेज रहा हूं, इकट्ठे नहीं करता, नहीं तो तुम कहोगे कि सर आपने तो गजब कर दिया, एक ही बार में सारा सफाई कर दिया, इस के को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो प्लस ये हो जाएगा थ्री के बी टी के स्क्वायर। ये गाली नहीं है, ठीक है, नाम है, ठीक है, मिटा दू ऊपर का, मिटा दू, सही मिटा रहा, इतना ही काफी है, नहीं तो गलतियां अगर होंगी तो पकड़ में नहीं आएंगी ना, दिक्कत तो यहां है, फिर आप कहोगे सर आपने गलती कर दी। अच्छा ओमेगा को निकाल दो, कहां निकाल दो, अलग निकाल दो, एम को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो एम, और ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री के बी टी, और क्या हो जाएगा ये थ्री के बी टी बाई एम, इसको भी ब्रैकेट में बंद करके के स्क्वायर। मिल गई आपको रिलेशन ओमेगा और के बीच में, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन रिलेशन। अभी भी मैं आपको एक और खतरनाक चीज दिखाऊंगा, पहले इसको मिला देता हूं, सही है मिल गई, ठीक है मिटा दू, मिटा दू, चलो इतनी चीज हो गई। अच्छा ये जानते हो क्या है, ये प्लाज्मा ऑसिलेशन है, यानी प्लाज्मा ऑसिलेशन को हम क्या करते हैं ओमेगा पी से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू होती है एन नॉट ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो एम की पावर वन बाई टू, ठीक है। अब यहां एन नॉट नहीं लिखा था, जब मैंने ड्राइव कराया था तो मैंने एन लिखा था, क्योंकि वहां पे हमने अज्यूम किया था कि जो पार्टिकल डेंसिटी है यानी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, एन है, यहां पे हमने क्या बोला इक्विलिब्रियम स्टेट में पार्टिकल कितने हैं, एन नॉट है, तो फॉर्मूला वही है। अच्छा एक और मुझे फॉर्मूला पता है, वो है थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला, थर्मल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला एक होता है, वो आप याद कर लोगे, ठीक है, टू के बी टी बाई एम, सही है। वैसे तो इतना अगर मान लो आप ये सब फालतू चीजें याद नहीं करना चाहते तो आप यहां तक डेरिवेशन करके आ जाना, ठीक है।
ठीक है। अब भाई अगर इतना याद हो जाएगा तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने में आप घिसोगे नहीं, वैसे नहीं घिसो, बिल्कुल नहीं घिसोगे, ठीक है। अच्छा नहीं घिसोगे क्या? चलो वैसे घिसोगे तो नहीं, ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं तो आप कहोगे सर हम डिसलाइक कर देंगे, हमें ऐसा मत बोलो। नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, यानी जनरली मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ हाफ, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा पी स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3/2 वी टी एच के स्क्वायर। दिस इज द डिस्पर्शन रिलेशन, या आप इसे कहोगे दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव, है ना। दिस इज द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, वैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी मेरे एंगल से जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि वो यहीं तक देगी, यानी आपसे वो सिंपली कहेगी इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव का डिस्पर्शन रिलेशन डायरेक्ट। लेकिन भाई जब एग्जाम में कभी कभी खतरनाक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। खतरनाक क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव की वेव वेलोसिटी बताओ, यानी फेज वेलोसिटी बताओ। हिल तो नहीं गया कैमरा, आवाज आई थी कट, ठीक है, ये वीडियो वैसे ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। यानी डिस्पर्शन रिलेशन आपको पता है ना, मुझे भी पता है कि नहीं पता है? पता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पता है आपसे क्या पूछेगा, बाय द वे जैसे एग्जाम में इतना टफ नहीं देते प्लाज्मा, देखो पार्टिकल फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स इन दोनों का पेपर बहुत ईजी आता है, अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी की है तो हर वो इम्पोर्टेंट चीज बड़े आराम से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट वैसे तो इतना ही पूछेगा, बट भाई जब आपसे बोलता है कि प्लाज्मा वेव की फेज वेलोसिटी बताओ, तो आपको जस्ट इस इक्वेशन से ओमेगा अपॉन के को सेपरेट करना है। ओमेगा अपॉन के ये आपका होमवर्क है कि यहां से ओमेगा अपॉन के की वैल्यू निकाल के मुझे बताओगे कितनी है, और आप इसके रिस्पेक्ट में यानी आप डी ओमेगा बाई डी के भी कैलकुलेट करोगे, यानी अगर आपने ओमेगा अपॉन के की वैल्यू निकाल दी तो वही आपकी फेज वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव की, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं ड्राइव कर दूंगा, लेकिन आप कर सकते हो ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, आप इसको आप के को इस साइड मतलब पूरी इक्वेशन को के स्क्वायर से डिवाइड कर देना तो आपको ओमेगा बाई के की वैल्यू मिल जाएगी, ऑब्वियसली ऐसी ही मिलेगी, है ना, हाफ पावर में। और ऐसे ही आप डी ओमेगा अपॉन डी के को भी सेपरेट कर सकते हो और वो आपको बताएगा ग्रुप वेलोसिटी। यानी एग्जाम में भाई जब आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव की फेज वेलोसिटी बताओ, तब भी आपको ये डिस्पर्शन रिलेशन लेनी होगी और ये चीज निकालनी होगी, और अब आपसे अगर वो कहेगा ग्रुप वेलोसिटी बताओ तब भी आप इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे डी अपॉन डी के टर्म्स में और आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कोशिश करते हैं कि इसी बार खत्म करने की। इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव तो हो गई, अब इलेक्ट्रॉन आयन प्लाज्मा वेव, ठीक है। देखें हेलो दोस्तों, मैं ड्रेस बदल के आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लिप में एक्सप्रेशन लास्ट लिखवाया था वहां VTH का स्क्वायर नहीं लिखा था, तो अगर आप इस टर्म को थर्मल वेलोसिटी से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, आप पॉज करके ये फाइनल एक्सप्रेशन नोट कर लेना, ठीक है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप सोचते रहते और फिर कमेंट में लिखते सर वहां स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, तो इसे पॉज करके नोट कर लो। और इस वीडियो में इतना ही, अगली क्लिप जस्ट इसके बाद स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट नाउ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह अब आएगा आयन प्लाज्मा वेव, ठीक है। तो पूरा टाइटल सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन की जगह किस लिए आयन, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, लेकिन आप यकीन मानो फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी आपसे वो
कम ही चार्ज में पूछेंगे, वो आपसे सिर्फ ड्राइव करवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव का डिस्पर्जन रिलेशन क्या है या आयन प्लाज्मा वेव का डिस्पर्जन रिलेशन क्या है। और बाय द वे वो टॉपिक भी देते हैं, तब भी आपको डिस्पर्जन रिलेशन ही ड्राइव करना है। क्लियर हुई बात? तो देखो सारी चीजें वैसे ही हैं, बट आयन के केस में जानते हो हम इलेक्ट्रॉन फ्लूड मान सकते हैं, बट और उसमें हम आयन फ्लूड को इग्नोर कर सकते हैं। चार बताता हूं क्यों इग्नोर कर सकते हैं। देखो समझो बात को, जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आयन आई से दिखा देता हूं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो आयन की कंपेयर में बहुत हाई होती है, ठीक है। और आयन इलेक्ट्रॉन मतलब आयन इतनी ज्यादा स्पीड में होते हैं यानी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आयन से बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि हम ये मान सकते हैं कि आयन अपनी पोजीशन में फिक्स है जब इलेक्ट्रॉन का मोशन हम काउंट करते हैं। लेकिन आयन प्लाज्मा वेव में ऐसा नहीं है। आयन प्लाज्मा वेव में आपको इलेक्ट्रॉन फ्लूड कंसीडर करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्लूड में आप आयन को इग्नोर कर सकते हो, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे आपका मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का मोशन जैसा होता है वैसा ही होता है, कि हम ये मानते हैं कि जो आयन है वो फिक्स है अपनी पोजीशन पे और इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूम रहा है फ्रीडम से, आराम से तड़ी में घूम रहा है, ठीक है, जैसे कि आप घूमते हो हम मारते हो, ठीक है। लेकिन आयन प्लाज्मा वेव के कंसीडर केस में हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आयन के पास होगा ही होगा, क्योंकि आयन क्या करता है इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट करता है। तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन फ्लूड को इग्नोर नहीं करेंगे, हाँ लेकिन हम आयन फ्लूड की बात करेंगे, लेकिन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लूड का काउंट करेंगे। यानी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लूड का क्या होता है, डिवाइस सिलिंग। ये टॉपिक याद है ना। यानी अब मैं अगर बोलूं कि इस केस में क्या डिफरेंट है, पूरा डेरिवेशन है एजिटेशन, पर इस केस में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस आयन को, इस आयन का इलेक्ट्रिक फील्ड वो सील्ड कर देते हैं, हो वही रहा है कि मान लो एक प्लाज्मा है और यहाँ हम पर यूनिट वॉल्यूम में आयन को काउंट कर रहे हैं, और आयन बड़े धीरे 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 इसकी सरफेस पे ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन सरफेस पे ऑसिलेट करने के साथ ही एक फिनोमिना हो रहा है, वो है डिवाइस सिल्डिंग का, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि पॉजिटिव आयन के पोटेंशियल को सील्ड कर देता है, एक डिस्टेंस तक सील्ड कर देता है, और उस सील्डिंग को हमें काउंट करना है इस डेरिवेशन में। क्लियर हो गई बात? तो इस डेरिवेशन में जो हमने पिछले डेरिवेशन में जो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव के डेरिवेशन था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये लिखा था, बट यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं पोटेंशियल काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे जो भी डेटा पता है इलेक्ट्रॉन का, जो इफेक्ट पता है आयन के लिए वो है पोटेंशियल के फॉर्म में। तो हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। चलो बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है कि मुझे इसमें डिवाइस सिलिंग को काउंट करना है, ठीक है, फिर मिटा रहा हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। इस बार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपने एक खतरनाक इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव खत्म कर रखा है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो एम एन, यहाँ एम कैपिटल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी प्लस U ग्रेड U, और ये हो जाएगा एम क्यू, ठीक है, यहाँ एम ई हो जाएगा, ठीक है, एम ई क्या होता है, ई एन नॉट। अब मैं मान रहा हूं वो जो आयन है वो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन, यानी हम क्या मान रहे हैं वो प्रोटॉन है, ठीक है। जो भी प्लाज्मा फ्लूड बना है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रोटॉन से बना है, और सभी प्रोटॉनों का मास आपको पता है सेम होता है ना, यानी सारे पार्टिकल एम मास के हैं और सभी पार्टिकल के पास चार्ज क्या है, प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, और ये हो जाएगा यू क्रॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस का, अब यहाँ पी आई यानी प्रेशर ऑफ आयन फ्लूड।
आप अगर इसे लिनियरलाइज करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और आपको अगेन वही वाला चीज काउंट करनी है, यानी यू इक्वल टू लेना है यू नॉट प्लस यू वन, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या लेना है, E इक्वल टू क्या लेना है, E पर्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आपको और क्या लेना है, यू वी और एन भी लेना है, एन इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन, ठीक है। वही वाले टर्म यूज होंगे, ये सब क्या है, ये और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी जीरो है, इसको भी हमें वेलोसिटी भी सिर्फ पर्टर्बेशन की वजह से आ रही है, ठीक है, तो मिटा दो। चलो तो हमारी लीनियर लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी, लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एम एन नॉट डेल यू बाई डेल टी, और ये हो जाएगा ई एन नॉट ई माइनस ग्रेट पी आई। क्लियर होगी बात, देखो पिछले ही केस में ये पी आई मैंने कैलकुलेट किया है, क्या निकाला है, रख दूं क्या है, गामा आई के बी, ठीक है, के बी टी, और ये था ग्रेड एन वन, याद है, अभी मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था, यहां आएगा यू वन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट कर लो और इसकी भी वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगी, और मैंने बताया था डेल अपॉन डेल टी के लिए आपको क्या रखना है, आई ओमेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का आई ओमेगा एम एन नॉट इक्वल टू, अच्छा ई के लिए मुझे क्या रखना है, ई इक्वल टू आपको पोटेंशियल के टर्म में पता है रिलेशन ये होती है, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आई इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस का ई एन नॉट ग्रेड फाई, और ये हो जाएगा माइनस का गामा आई, ये एक्चुअली उसका है ना, ये जो कांस्टेंट है उसके लिए, किसके लिए, आयन फ्लूइड के लिए, अब मुझे नहीं पता यहाँ डायमेंशन, हमें नहीं पता है कि उसका मोशन कैसा हो रहा है, तो मैंने जस्ट उसकी गामा की वैल्यू कर दी है, ठीक है, और ये हो जाएगा के बी टी, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है, ब्रैकेट में लिख दूं, है ना, इसके लिए आपको क्या लिखना था बता देता हूं, इसके लिए आपको लिखना था आई के, तो यहां हो जाएगा आई के, ठीक है, आई के, और ऊपर से ये भी तो रहेगा, है ना, इसके जगह मुझे आई के रखना था, बाकी ये हो जाएगा एन वन, है ना, वो मिलाता है इसी रहो ताकि गलत ना हो, ठीक है, मिटा दो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, है ना, अच्छा अब क्या करते, ठीक है, अब बस मुझे ये टर्म सॉल्व करना है ना, ये आसान है क्योंकि आपने एक डेरिवेशन पहले से कर रखा है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अच्छा जो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था मैंने अभी आपको लिख पाया ये पोटेंशियल आपने कहाँ लिखा होगा, जब मैंने आपको डिवाइस लिविंग का एक्सप्रेशन कराया था, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर एक्सपोनेंशियल क्या था, ई फाई अपॉन के टी, ये फॉर्मूला लिख पाया था पहले, ये बोल्ट्जमैन ने दिया था, और तब दिया था जब पर्टर्बेशन हो रहा है, ठीक है, अब हमें पर्टर्बेशन लिखना है, किस ऑर्डर का पर्टर्बेशन, हम फर्स्ट ऑर्डर के पर्टर्बेशन की बात कर रहे हैं, इसको खोल, तो e की पावर x का 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे ही था, लेकिन हमें स्क्वायर तो एड ही नहीं करना है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन नॉट 1 प्लस ई फाई बाई के टी, है ना, हायर पावर हमें लेनी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट ई फाई बाई के टी, अब एक्चुअली ये के बी टी है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मैं के बी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक वेव वेक्टर वाला भी के है, ठीक है, अच्छा ये ऐसे ही नहीं लग रहा, अभी मैंने n को कैसे लिखा था, अभी मैंने n को लिखा था n इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन, यानी पार्टर, तो पर्टर्ब पार्ट यही तो है, तो यानी एन वन की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है ना, मैं समझ रहे हो ना मेरी बात, तो एन वन की वैल्यू हमें मिल गई, तो एन वन क्या हो गया हमारा,
n1 इक्वल टू, यानी अगर हम सिल्ली को काउंट कर रहे हैं तो हमारा n1 भी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? n1 हमारा n0 e phi by kbt। लेकिन मुझे क्या चाहिए इसका डिफरेंशिएट करने के लिए? मुझे phi का टर्म चाहिए n के टर्म में, है ना, जो चीज वेरी कर रही है। तो phi निकाल लो, क्या हो जाएगा? kbt n1 by n0 e। यहां से phi मिल गया, तो यहां से ग्रेड phi भी निकाल सकते हैं। ग्रेड phi क्या हो जाएगा फिर? अब क्या हो जाएगा? kbt अपॉन n0 e, और ये हो जाएगा n1। और इसको कैसे रिप्लेस करना था मैंने अभी बताया, kbt अपॉन n0 e। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा kx i k, और ये n1 सॉल्व कर दिया हमने, यानी ग्रेड phi की वैल्यू हमें मिल गई। मिला लू मैंने, तुम्हें तो मिल गई है भैया, मैं भी तो मिला लू। खतरनाक काम है ये, खतरनाक। अच्छा हाँ, एक और चीज, अच्छा हाँ मैं मिला लेता हूँ, नहीं तो गलत कर देता। ठीक है, सही है, बाकी सब सही है। यहाँ जो टेम्परेचर है ना, ये जो टेम्परेचर है ये इलेक्ट्रॉन फ्लूड का टेम्परेचर है, याद रखना, क्योंकि सीलिंग कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लूड कर रहा है, तो टेम्परेचर किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लूड का। तो यहाँ जहां जहां मैंने टी लिखा है, ये वाला टी ये आयन फ्लूड का प्रेशर था, उसमें जो टेम्परेचर यूज हुआ था, और ये जो टेम्परेचर है ये इलेक्ट्रॉन फ्लूड का टेम्परेचर है जिसपे इलेक्ट्रॉन फ्लूड उसको सील कर रहा है। तो दोनों टेम्परेचर में फर्क है, याद रखना। ठीक है, तो मैं जहां जहां इसका टी आया है वहां वहां मैं इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर कर दू, इलेक्ट्रॉन फ्लूड का टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन फ्लूड का टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात हो गई। हाँ इतनी बात हो गई, चलो अच्छा हुआ। मैं मिटा दू, मिटा सब कर, मिटा दू, पॉज करके नोट करो, मैं चेक कर लेता हूँ। डर लगता है साहब, किससे नहीं डर लगता है? प्यार से डर नहीं लगता साहब है, पढ़ाई से लगता है। क्यों? ये डायलॉग था, प्यार से डर नहीं लगता साहब, पढ़ाई से डर लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखा जाएगा, गलत होगा तो गलत होगा, दोबारा वीडियो बना लेंगे, गलत होगा क्या कर सकते हैं। मेरे हाथ में बस इतना ही है कि अगर गलत होगा, दिखाई दे रहा है, अगर गलत होगा तो दोबारा वीडियो बनाएंगे। एक आदमी क्या कर सकता है इससे ज्यादा? कुछ नहीं कर सकता साहब, है ना। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मजे लेने की, क्योंकि मैंने चाहता मैं सीरियस होकर पढ़ा, है ना। सीरियस लोग आईसीयू में मिलते हैं, पता है आपको, और मैं सीरियस होके बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता, नहीं तो आप कल के दिन सब आईसीयू में नजर आओगे, वो भी सही नहीं है। ठीक है, वहां पे वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू क्या थी इसकी? बहुत खतरनाक वैल्यू है यार, तो क्या लिखे? ऐसा लिख देते हैं, आई को आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब के बी टी ई के अपॉन n0 e, और इसको क्या कर दूं मैं? n1 कर दूं। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं भी आई बाहर निकालूंगा, माइनस का आई गामा आई, और क्या हो जाएगा? के बी टी के, गाली नहीं है ये, नाम है, और ये n1। तो देखो सब में, इसमें भी n1 है, इसमें भी n1 है, और आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, सब में माइनस आई है, सबको हटा दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा एम एन नॉट इक्वल टू, यहां से एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, ई से ई कैंसिल। ठीक है, ई से ई भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा के बी टी ई के, है ना, गाली नहीं है, और प्लस गामा आई के बी टी के अप, और बाहर ब्रैकेट में n1। अरे यार कुछ गड़बड़ है क्या? u1 भी मैंने मिस कर दिया, ओ नो, ओ नो, मैं ये गलती
कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब मैंने आई ओमेगा ऐड किया होगा ना, तो यहाँ यू भी होगा, याद रखना। आई ओमेगा तो सिर्फ उसका कहते हैं ऑपरेटर था ना, डेल अपॉन डेल टी की जगह मुझे क्या लिखना था, आई ओमेगा, लेकिन एक्चुअली में डेल यू अपॉन डेल टी की जगह मुझे पूरा क्या लिखना है, माइनस का आई ओमेगा यू वन लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ यू वन लिखना मिस कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही है, ये इक्वेशन सही करना। ऊपर मैंने यही इक्वेशन लिखी है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो खतरनाक चीज है यार, ये खतरों का खेल है, खतरों का। और यहाँ क्या हो जाएगा, यू वन, ठीक है, गलती मैंने सुधार ली है, ठीक है। जहां पे भी आपको ये चीज, ये जो यहाँ पे जो पोजिशन थी वो इसकी थी, है ना, इसको हटाओगे तो सिर्फ इसके लिए ये लिखना है, तो यू वन तो बचेगा ना, तो यू वन लगा सकता है, ठीक है। अब मिटा दू, ठीक है, मिटाओ, चलो बेटा। अच्छा पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने एन वन और यू वन के बीच में रिलेशन निकाला था, याद है, निकाला था कि नहीं निकाला था, एन वन और यू वन के बीच में मैंने रिलेशन जो निकाला था वो था एन नॉट के बाई ओमेगा, ये रिलेशन यू वन, ठीक है। यहां वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एन नॉट एम U1 इक्वल टू के बी टी ई के प्लस गामा आई के बी टी के, और यहां आएगा, इसके लिए जगह नहीं है, मिटा देते हैं, और ये हो जाएगा हद है, नहीं सही है, डरूंगा क्या करें यार, खतरनाक है ना, मैं कह तो रहा हूं आज मैंने डुबकी लगवा दिया, आज प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर तक चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओमेगा, तो ये ओमेगा को यहां भेज दो, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और इस एन नॉट एम को नीचे भेज दो, तो ये देखो एन नॉट से ये एन नॉट कैंसिल, ठीक है, और इस के को बाहर निकाल दो, देखो ये के ये दोनों वेव वेक्टर है, इन दोनों को बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये के बी टी ई प्लस गामा आई के बी टी, और ये हो गया के स्क्वायर बाई एम, ठीक है। अब यहां से डिस्पर्जन रिलेशन मिल जाएगी हमें, है ना, वैसे ये भी डिस्पर्जन रिलेशन है, लेकिन आप इसको कैसे लिख सकते हो मैं बता देता हूं, इसको मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, ओमेगा बाई के इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो के बी टी ई प्लस गामा आई के बी। अच्छा इस टाइम ये जो टेम्परेचर था ये आयन फ्लूइड का था ना, तो मैं इसे टी आई सफिक्स में लिख दूं, क्योंकि ये टेम्परेचर है आयन फ्लूइड का, है ना, सिंपली अच्छा लगेगा देखने में कि ये इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है वो आयन का टेम्परेचर है, अपॉन एम और बाई वन बाई टू, ठीक है, गाइस क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये जो डिस्पर्जन रिलेशन है इसी को आप कहोगे दिस इज द डिस्पर्जन, एक्चुअली डिस्पर्जन रिलेशन ये भी है, ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज द डिस्पर्जन, डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ आयन आयन प्लाज्मा वेव, ये इसको पता है एग्जाम में एक और नाम से पूछ सकता है, इसको एकॉस्टिक प्लाज्मा वेव भी बनते हैं, स्पेलिंग क्या है भाई, एकॉस्टिक की बदनामी हो ये मेरी है, एकॉस्टिक एकॉस्टिक वेव पूरा नाम लिखते हैं, एकॉस्टिक प्लाज्मा वेव, प्लाज्मा वेव दिख रहा है, इसका ये दूसरा नाम है, एग्जाम में अगर एकॉस्टिक प्लाज्मा वेव आएगा तो आप इसी को लिख के आओगे। अच्छा एक और खास बात, मैंने इसका नाम एकॉस्टिक प्लाज्मा वेव क्यों बोला, क्योंकि जानते हो
ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी रेंज तक आती है ना? यानी इसकी रेंज हमारी साउंड वेव की रेंज में आती है, ठीक है? यानी इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज पे आती है। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज वाली वेव को हम एकॉस्टिक वेव बोलते हैं, इसीलिए हम इसको भी एकॉस्टिक वेव बोल देते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में ये एकॉस्टिक वेव के भी नाम से आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम नजदीक है। आई होप असाइनमेंट और आपके जो इंटरनल एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए होंगे। और क्या बोलूँ, ठीक है, ओके बाय।